गुजरात के बनासकांठा जिले में माता रानी अंबा का पवित्र स्थान अंबाजी है। भाद्रवी पूनम के मेले का अर्थ है अंबा के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेने का मिलने वाला सौभाग्य। माता रानी के भक्त ठंड और गर्मी की परवाह किए बिना दिन रात माता के चरणों में पैदल चलते हुए दूर दूर से आते हैं और अपनी आस्था और दर्शन से अपनी मुरादें पूरी करते हैं। इस मेले का बहुत ही अधिक महत्व है। गुजरात के अहमदाबाद के नवाब वाडस में ब्यासवाड़ी पैदल संघ आशीष भाई शर्मा और राजू भाई पटेल की योजना और समन्वय समिति के माध्यम से पिछले 29 वर्षों से लगातार हर साल 52 गज के ध्वज के साथ अंबाजी में माता रानी के दर्शन के लिए आयोजन कर रहा है। आज यह संघ आरती और गरबा के साथ अंबाजी के लिए रवाना हुआ। इस संघ में जुड़े करीब 130 सदस्य पैदल अंबाजी पहुंचते हैं और माता की उपस्थिति में ध्वज को चढ़ाया जाता है। कोरोना के कठिन समय में भी इस संघ ने लगातार 52 गज के ध्वज को माता रानी के मंदिर पर चढ़ने की परंपरा को कायम रखा है। माता रानी के लाखों भक्त भाद्रवी पूनम में मां अंबा के दर्शन करेंगे और अपने आप को धन्यता महसूस करेंगे। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही टुडे 24 न्यूज की ओर से प्रार्थना है। हूँ व्यासवाड़ी पगपाड़ा संघ माथी बोलूँ छू, राजू भाई पटेल। मारी बाजू में अमरा प्रमुख श्री आशीष भाई शर्मा उभा है और अमे आ संघ लगभग 1994 थी आज 29 अमरु वर्ष से। कोरोना बे वर्ष में अमरा जो परंपरा अमे जाळवी अने 52 गजनी ध्वजा साथ बे वर्ष अमे ध्वजा चढ़ाई है 2020 और 2021 में, अने अमारी परंपरा अमे जाळवी छे। अने आ वखते अमे 9 दिवस अमारो प्रोग्राम है, एकमना दिवसे अमे निकळीशुं। आज एकम तारीख 28 निकळीशुं, 9 अने तारीख 5 तारीखे अमे ध्वजा चढ़ाई अमे परत आववाना छीए। અને અમારા સંઘની અંદર 130 જણા અત્યારે જોડાયેલા છે। ખાસ કરીને શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે? ખાસ કરીને વ્યવસ્થામાં અહીંયાથી અમે ટોટલી રસોઈ હાઇજેનિક રસોઈ સાથે અને ટોટલી મિનરલ પાણી સાથે અહીંયાથી નીકળીએ છીએ। કોઈ પણ જાતની રસ્તામાં ગંદકી પણ નથી કરતા અને ડિસ્પોઝેબલ સરકાર માન્ય ડિસ્પોઝેબલ આઇટમ લઈ અને અમે અમારું કામ સંપૂર્ણ કરીએ છીએ।